अच्छा जी, अब हम छोटे छोटे टॉपिक्स पे ना वीडियो बनाया करेंगे। ये जो बच्चों के पीछे आवाज़ें आ रही हैं, इसलिए आ रही हैं कि ये 4 माह के बच्चे हैं, इनकी हमने सींग इनके ख़त्म कर दिए थे, बचपन में जला दिए थे, तो अब दोबारा इनके सींग आ गए हैं, तो वो फिर दोबारा ख़त्म कर दिए, तो इसलिए थोड़ा सा परेशान है और ये थोड़ी देर में ठीक हो जाएंगे। जो पहले वीडियो बनाई थी वो बनाई थी कि नीचे इनके गीला नहीं होना चाहिए जगह, ये देखिए अब सारा जो है ना नीचे वो आ गया, जगह सारी इनकी खुश्क हो गई, इस तरह ये खुश्क होना चाहिए। कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं कि जिनमें हम कंजूसियाँ करते हैं, और उनकी जो कंजूसियाँ होती हैं वो बड़ी महंगी पड़ती हैं। जैसे कंजूसी के हमने अपने पास रेत मिट्टी मिक्स जो है ना वो फार्म पे नहीं रखते, तो फिर ये वाड़े गीले होते रहते हैं और हम मुख्तलिफ तरीक़ों से इन्हें खुश करने की कोशिश करते हैं जिससे वो होते नहीं। तो एक वक्त आता है कि मामला इतना ख़राब हो जाता है कि एक बकरी के भी जब पाँव ख़राब होते हैं तो वो एक बकरी हमारा इतना नुकसान हो जाता है कि उससे हमारे कई वैसे ही काम हो जाने थे, कई मिट्टी की ट्राली आ जानी थी। तो इसलिए ये कुताही बिल्कुल ना करें, आप अपने फार्म पे हमेशा मिट्टी और रेत मिक्स रखें, जब भी कोई मसला बने तो नीचे बिखेर दें ताकि जानवरों के पाँव ख़राब ना हो। लेकिन अभी ये ले कर जा रहे हैं। अच्छा, एक तो ये टिप थी आज की।